तो दोस्तों, क्या आप लोग भी अपने मोदी और योगी के जो मोबाइल फोन है उनके अंदर आपके जो होम बटन है यहाँ पे शो नहीं हो रहे हैं? एंड आप लोगों को पहले इस तरीके के आपके जो होम बटन यहाँ पे शो होते थे, बट मेरे मोबाइल फोन में ये अभी भी शो हो रहे हैं, बट आपके मोबाइल फोन में अगर ये शो नहीं हो रहे तो आप लोग इन्हें किस प्रकार से एनेबल कर सकते हैं, अपने मोबाइल फोन के ऊपर ला सकते हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को फुल डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड आप लोगों को बताते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको जो ट्रिक्स एंड मेथड मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं उसको यूज करने के बाद अगर आपके मोबाइल फोन के ऊपर आपके जो होम बटन है, आप लोगों को मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया यहां पे शो हो जाते हैं मीटर यूज करने के बाद, एंड आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना मोर फॉर अपडेट्स के लिए। सो गाइस, अब बात करते हैं कि आप लोगों को आपके जो यहाँ पे होम बटन है वो क्यों और किस वजह से यहाँ पे शो नहीं हो रहे। तो आप लोग देख सकते हैं आपको भी सेम यही प्रॉब्लम देखने को मिल रहा होगा जो मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे मैं यहाँ पे तीन वाले बटन पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मेरे को कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम मेरे मोबाइल फोन के ऊपर देखने को मिल रहा है। यानी कि ये प्रॉब्लम जो है सभी बंदों को बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। एंड अगर आप लोग इस वाले बटन पे बैक करते हैं तभी आपका जो फोन मोबाइल है यहाँ पे बैक होता है। अगर आप लोग इस पे डायरेक्ट पे ओपन करेंगे तो आप ये बैक नहीं कर सकते। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूं सबसे पहले कि ये प्रॉब्लम आपको क्यों देखने को मिल रही है। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम आपके मोबाइल फोन के ऊपर ये होम बटन आपके स्क्रीन से गायब हो गया, सबसे पहला रीजन पे अगर आप लोगों के मोबाइल फोन के ऊपर आपका सॉफ्टवेयर आया है एंड आप लोगों ने अपने सॉफ्टवेयर अपडेट किए होंगे तो आप लोगों को 100% ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही होगी। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने आज ही अपने 18 मार्च 2024 में अपने यहाँ पे मोबाइल फोन को अपडेट किया है और मेरे को ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अगर आप लोगों को ये प्रॉब्लम फिक्स करनी है तो आप लोगों को क्या ट्रिक्स एंड मेथड यूज करनी है, तो सबसे पहले आपको बैक आना है। बैक आने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को ऊपर की साइड आना है एंड आप लोगों को यहाँ पे डिस्प्ले वाले ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को नेविगेशन बार वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, आप लोगों को नेविगेशन बार वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग इसमें दो तरीके के यहाँ पे आपको नेविगेशन बार मिल जाते हैं। आप लोग चाहे तो अपना स्वैप जेस्चर भी यूज कर सकते हैं, यानी कि अगर आप लोग स्वैप वाला जेस्चर यूज करेंगे तो आपके मोबाइल फोन का ऊपर जो है यहाँ पे बहुत अच्छा स्मूथली तरीके से वर्क करेगा एंड आप लोग अपने मोबाइल फोन को साइड से यूज कर पाएंगे। आप लोग देख सकते हैं हमारे जो बटन है वो साइड में देखने को मिल जाते हैं। जैसे मैं इस वाली एप्लीकेशन को ओपन करूंगा तो मेरे जो बटन है यहाँ पे साइड से वर्क करना स्टार्ट कर देंगे एंड हम सीधा होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। अगर इतना करने के बाद भी आपको जो आपके मैंने वीडियो का स्टार्टिंग में दिखाई वही वाले नेविगेशन बार चाहिए, होम बटन चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, आपको अपनी प्ले स्टोर एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन करना है। तो प्ले स्टोर एप्लीकेशन पे जैसे आप लोग आएंगे तो मैं यहाँ पे अपनी प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन करता हूँ। प्ले स्टोर एप्लीकेशन जैसे मैं ओपन करूंगा तो आप लोगों को यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को नेविगेशन बार लिखना है। आप लोग जैसे अपने मोबाइल फोन पे अपना नेविगेशन बार लिख के सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे नेविगेशन बार देखने को मिल जाएगा। आपको ये ग्रीन वाला जो बटन देखने को मिल रहा है आपको इस पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना है, नेविगेशन बार फॉर एंड्रॉइड। तो आप लोगों को इसको अपने मोबाइल फोन के ऊपर ओपन करना है, डाउनलोड करना है। आप लोग देख सकते हैं मेरे मोबाइल फोन के ऊपर यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही आप लोगों के मोबाइल फोन के ऊपर नेविगेशन बार फॉर एंड्रॉइड यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, तो इंस्टॉल होने के बाद फिर आप लोगों को क्या करना है, आपको इसको यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको इसकी टर्म्स कंडीशन पढ़ के आपको एग्री वाली बटन पे क्लिक कर देना है एंड आपको गो टू सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग गो टू सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके जो यहाँ पे बटन है आपके मोबाइल फोन के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को शो बटन आपके जो भी यहाँ पे अपने जो एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल किया है तो आप लोगों को नेविगेशन बार जो एक्सेसिबिलिटी में जाना है तो सबसे पहले आप लोगों को आपकी जो रिकमेंडेड फॉर यू वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, आप लोगों को इसमें जो आपकी एक्सेसिबिलिटी वाला ऑप्शन है आप लोगों को यहाँ पे आना है एंड यहाँ पे आप लोगों को इंस्टॉलेड ऐप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड आपको नेविगेशन बार वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको इसको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपके जो बटन है आपको यहाँ पे होम स्क्रीन पे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग जो है अपने मोबाइल फोन के ऊपर आपके जो होम स्क्रीन के बटन एनेबल कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन के ऊपर। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना एंड फिर भी आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को वीडियो के अंदर कमेंट करके बता देना, मैं उसकी प्रॉब्लम आपको सोल्व करा दूंगा।